बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज हम आपके साथ विज़िट करेंगे हफ्ता बाज़ार का। ये बहुत ही सस्ती मार्केट है, ये बहरिया टाउन में लगती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं। लंडा बाज़ार भी बहुत बड़े पैमाने पर लगता है और अभी गर्मी का मौसम है और यहाँ पे गर्मी की वजह से इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यहाँ पे स्टॉल भी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और यहाँ पे इतना रश होता है, हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। इर्द गिर्द की जो करीब की सोसाइटियाँ हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कम कीमत पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और फिर लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ पर सर्दियों में स्वेट जो होते हैं कपड़े वगैरह वो भी यहाँ से बाय करते हैं लोग, और यहाँ से ब्लैंकेट वगैरह वो भी मिल जाते हैं, कंबल हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, जोगर स्नीकर्स हर तरह के शूज़ मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चों की चीज़ें होती हैं, खिलौने वगैरह और जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी तो गर्मियों का मौसम है इसलिए यहाँ पे इतना रश नहीं है, लेकिन सर्दियों में रश नहीं है, यहाँ पे स्टॉल भी कम है और लोग भी कम हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स और हर तरह की यानी कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह ये भी मिल जाते हैं, सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और गर्मियों में फ्रूट और वेजिटेबल ये होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे लोकल मार्केट की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, यहाँ पर नई भी चीज़ें होती हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं इंतहाई कम कीमत में। तो चलते हैं आपको विज़िट करवाते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे ब्लैंकेट और वो ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह भी मिल जाती हैं, जूते वगैरह ये भी चीज़ें मिल जाती हैं काफ़ी। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें लेनी हो और आप बहरिया टाउन के करीब रहते हो तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं कम प्राइस में। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पापड़ वगैरह, ये देखिए यहाँ पे दही भले पापड़, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आप अपने यानी कि घर में तैयार करके अपने बच्चों को या किसी भी गेस्ट को खिला सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। ये कपड़े देखे, शर्ट 450 की लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसके अलावा आप नीचे ये देखें, जूते भी पड़े हुए हैं बहुत। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं। तो यहाँ से ये देखिए सॉक्स वगैरह और इस तरह की भी चीज़ें भी मिल सकती हैं सर्दियों में, और बच्चों के जूते भी पड़े हुए हैं और बड़ों के भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखें आप देख सकते हैं, ये लंबे के जूते हैं, ये देखें बहुत अच्छे। यहाँ पे जोगर स्नीकर्स वगैरह मिल जाते हैं अगर आपने बाय करने हो और आप यहाँ लाहौर में रहते होते हैं। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ से स्नीकर्स मिल जाते हैं और कम प्राइस में मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये रेडीमेड शर्ट्स हैं और इनकी प्राइस भी 450 थी और बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। ये किचन गैजेट्स पड़े हुए हैं यहाँ आपको, बहुत ज़्यादा ब्लेंडर बेलना वगैरह एवरीथिंग यू कैन गेट हेयर। तो ये देखें यहाँ पे ये सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं, शर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे पैंट्स भी मिल जाती हैं, ये न्यू है, ये लंडे की नहीं है। यहाँ से ये भी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए। और ये देखें आगे भी आपको स्टॉल दिखाते हैं, वो देखें वो स्टॉल जो है ये लंडे की चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं, आम लोकल पाकिस्तान की बनी हुई हैं। और ये डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं और वो कैंडल स्टैंड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन का सामान मिल जाता है। उसके बाद ये ज्वेलरी भी यहाँ पर मिल जाएगी और हर तरह की चीज़ें आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, क्रॉकरी वगैरह का सामान भी मिल जाएगा और ये डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे मिलती हैं। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं डेकोरेशन की, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ से बाय करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो अगर आपने भी लेनी हो तो आप यहाँ से सर्दियों में आकर बाय करें, क्योंकि गर्मियों में यहाँ से इस तरह की चीज़ें नहीं आती, सर्दियों में ही आती हैं।
ये डेकोरेशन पीसेस हैं बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत, देखें इंतहाई कम रेट्स पर यहाँ पे मिलते हैं। यही अगर हम किसी शॉपिंग मॉल से बाय करें तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ये प्राइस में मिलते हैं। यहाँ पर जो सामान आता है वो ज़्यादातर बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहरिया टाउन के अंदर ही लगता है, तो इसलिए यहाँ पर वो जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना अच्छे से अच्छा सामान यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सेल हो सके। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं जो आम बाज़ार में इतने यानी कि नहीं मिल सकती, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। और बहरिया टाउन में जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें लेते होंगे, और क्योंकि ये एक लोकल मार्केट है जो करीब पड़ती है, हफ्ते वाले दिन लगती है, और यहाँ से वो आकर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो बाय कर लेते हैं। ये लंडा बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ पे आपको बेड शीट मिल जाएंगी बहुत ही अच्छी और कम रेट्स पर, और कालीन वगैरह कारपेट भी मिल जाएंगे, कपड़े बच्चों के। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें और किचन की बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं इंतहाई कम रेट्स पर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती हैं ये, अच्छी इनकी वैरायटी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छा इनका रेट भी बहुत अच्छा होता है। We'll be right back.
व्यूवर्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।